गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर जो आज एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ है वो बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मोड ए वेक्टर इक्वल 3, मोड बी वेक्टर इक्वल 2/3। तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मात्रक सदिश है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। बोला गया है कि इसके ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। जब भी मोड ए वेक्टर बराबर इतना 3 दिया है, मोड बी वेक्टर बराबर 2/3 दिया है एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इल वेक्टर है। ठीक है, लेट द वेक्टर ए एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मोड ए वेक्टर इक्वल 3 एंड बी वेक्टर इक्वल 2/3। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी वही बात बोला गया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, ए वेक्टर इक्वल 3 मोड बी वेक्टर इक्वल √2/3 और बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और थीटा हम लोगों का करना है, फाइंड करना है। ठीक है, जो भी यूनिट वेक्टर कहता है कि यूनिट वेक्टर कहने का मतलब यह होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे। नाउ मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला था। चलिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू हम जानते हैं, ए बी आप लोग पढ़े होंगे, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप पढ़े होंगे लोग, क्लियर है। और अब मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि एन कैप हम लोग का यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने पर उसका वैल्यू कहाँ होगा, 1 होगा। चलिए एक बार और लिख रहे हैं, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल 1। मोड ए वेक्टर का वैल्यू 3 है और इसका जो वैल्यू दिया है √2/3 दिया हुआ है और यहाँ साइन थीटा इक्वल क्या है, 1 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू साइन थीटा इक्वल 1। इसलिए साइन थीटा जब निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा ना। इसलिए साइन थीटा इक्वल साइन में कितना का वैल्यू है बाबू, तो π/4 का, साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल π/4। तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का, इसके बीच का एंगल कितना बन जाएगा बाबू हम लोग का, π/4 दिया हुआ। ठीक है, सॉरी इसका ऑप्शन हम गलत उठा रहे हैं, इसका ऑप्शन दिया है π/6, इसका ऑप्शन दिया हुआ है π/4, इसका ऑप्शन दिया हुआ है π/3 और इसका ऑप्शन दिया हुआ है π/2। ऑप्शन गलत उतारे थे, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है वो 11 जो दिया हुआ है उसका आंसर कितना हो गया हम लोग का, थीटा बराबर π/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, π/4। तो वही बोला गया कि मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर मोड ए वेक्टर बराबर इतना है, मोड बी वेक्टर बराबर इतना है और ए वेक्टर और बी वेक्टर हम लोग का यूनिट वेक्टर है, तो उसके बीच का हम लोग का एंगल निकालना है। ठीक है, तो मोड ए वेक्टर इक्वल 3 दिया है, मोड बी वेक्टर इक्वल 2/3 दिया है, मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 1 दिया है, तो इसके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है बैठा है इतना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 का बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट है, लास्ट आप लोग का थ्योरी ही था और थ्योरी का अनुसार आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बनवा रहे हैं कि आप लोग का थ्योरी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक आयत के शीर्षों, एक आयत के शीर्षों ए बी और सी और डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः −i(+1/2j) और +4k(+4k)
अगला है आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस फोर के कैप। इसके बाद दिया हुआ है हम लोग का आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप अब प्लस फोर के कैप और माइनस आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप है का क्षेत्रफल है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वन बाई टू, ऑप्शन बी दिया हुआ है वन, ऑप्शन सी दिया हुआ है टू और ऑप्शन डी दिया हुआ है फोर। क्लियर है? इसका इंग्लिश में बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिक्स ए बी सी एंड डी विथ पोजिशन वेक्टर्स माइनस आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप। क्लियर है? उसके बाद हम लोग का आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप। इसके बाद हम लोग का आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप एंड अगला दिया हुआ है माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप रिस्पेक्टिवली इच। इसका भी वन दिया हुआ है वन बाई टू, बी दिया हुआ है वन, सी दिया है टू, डी दिया हुआ है फोर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का दिया है वो 12 दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? एक क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का दिया है वो कौन सा दिया हुआ है? 12 दिया है। ओके चलिए अब हम इसको भी सोल्व करने जा रहे हैं बाबू। एक मिनट रुक जाइए लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 का जो कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 का हम कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ा सा देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें। ठीक है, सोल्व हम यहाँ लिख रहे हैं। बोला है कि एक आयत है, आयत का इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल हम लोग का ऐसे होता है, इसका नाम ए बी सी होता है डी। जब रेक्टेंगल है कि इसके आमने सामने का साइड क्या होता है? बराबर होता है। और जब आमने सामने का साइड बराबर होगा तो हम उसको बोलेंगे कि रेक्टेंगल जो होता है, एक प्रकार का रेक्टेंगल जो होता है ना वो क्या होता है? पैरेललोग्राम का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसके आमने सामने की साइड बराबर होता है उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल का भी जो बिहेवियर होता है पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ही होता है। क्लियर है? कंफर्म है? समझ गए होंगे? चलिए अब अगला हम बात करने जा रहे हैं बाबू, ध्यान देना है आप लोगों कि ये तीनों का वर्टिक्स दे दिया है। ठीक है, इसका भी हम लोग का वर्टिक्स, इसका भी वर्टिक्स का पोजीशन वेक्टर है, कौन वेक्टर है?
तो पोजीशन मतलब दिया है ओए वेक्टर दिया हुआ है, ए का पोजीशन आप लोग का बोल दिया है माइनस आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप। फिर दिया हुआ है ओ भी वेक्टर दिया हुआ है, तो ओ भी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप। और उसके बाद दिया है ओ सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर जो हम लोग का दिया है आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप। और इसके बाद हम लोग का दिया है ओ डी वेक्टर, तो ओ डी वेक्टर दिया है माइनस आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप। क्लियर है, कन्फर्म है ना बाबू, इतना समझ रहे हैं। चलिए अब इसका बोला हुआ है कि इसका एरिया निकाले थे, ए पैरेललोग्राम है, कल पैरेललोग्राम का एरिया बताए थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तब बताएंगे ए वेक्टर क्रॉस मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर जो होता है संलग्न भुजा होता है, कौन भुजा ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों जो होता है ना संलग्न मतलब एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का लिखवाए थे मोड ए वेक्टर क्रॉस मोड बी वेक्टर होता है, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होता है ना उसकी संलग्न भुजाएं हैं, कौन भुजा है संलग्न भुजाएं। तो याद रखिएगा कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज होता है उसका संलग्न भुजा ए और ए कहलाएगा, ये ध्यान देना होगा ए और ए कहलाएगा, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते ए और ए कहलाएगा, और नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं ए और ए कहलाएगा, नहीं तो आप इसको इसको बोल सकते हैं और ए कहलाएगा, कोई लिख सकते हैं संलग्न भुजा समांतर चतुर्भुज है तो बराबर होगा, अगर ए वेक्टर है तो ए भी ए वेक्टर है, अगर ए बी वेक्टर है तो ए भी कहलाएगा बी वेक्टर है होता है। तो उसी प्रकार ये ध्यान देना है कि जब हम आप लोग को संलग्न भुजाएं निकालेंगे तो हम ए डी वेक्टर निकाल सकते हैं, ए डी वेक्टर बराबर ओ डी वेक्टर माइनस क्या बन जाएगा ओ ए वेक्टर, तो ए ओ डी वेक्टर कितना है बाबू, तो ओ डी का जो मान हम लोग का दिया है माइनस आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप प्लस फोर के कैप, इसका माइनस करेंगे ओ ए कितना दिया हुआ है तो माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा, माइनस वन बाई टू जे हो जाएगा ना, और ये माइनस फोर के कैप हो जाएगा। क्लियर है, तो एक आगा माइनस हाँ एक कट जाएगा हम लोग का तो ए जुटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा जे कैप, देख लीजिएगा अच्छा से माइनस कितना होगा जे कैप, और ये भी हम लोग का कट जाएगा तो ए कट जाएगा ना ए, तो क्या बचेगा हम लोग का सिर्फ हम लोग का जो ए डी वेक्टर जो आया हुआ है वो हम लोग का माइनस जे कैप होगा। एक बार फिर से देख लिया जाए आई कैप ठीक है ये दो है और एक हटाया जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग को क्या चाहिए, जब ए डी निकला तो हम आपका सी डी निकाल सकते हैं, नहीं तो ए बी निकाल सकते हैं, नहीं तो बी सी बीसी निकाल, एडजेसेंट साइड इसका ए कहलाएगा नहीं तो ए कहलाएगा, तो हम आप लोग को लिख दे रहे हैं सी डी वेक्टर, और सी डी वेक्टर निकालेंगे तो ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर का मान फिर माइनस आई कैप माइनस वन बाई टू जे कैप आप वन आप प्लस फोर के कैप, ओ सी वेक्टर का बात करेंगे तो ओ सी तब माइनस आई कैप हो जाएगा माइनस आई कैप आई प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू जे कैप हो जाएगा और माइनस फोर के कैप हो जाएगा, तो माइनस फोर के कैप से फोर के कैप कट जाएगा और वन बाई टू जे से वन बाई टू जे का हो जाएगा हम लोग का वन बाई टू जे से वन बाई टू जे कट जाएगा कितना हो जाएगा माइनस टू आई हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बन जाएगा सी डी वेक्टर। सी डी निकाल लिए तो एडजेसेंट साइड हम किसको निकाले इसको निकाले और इसको निकाले, या आपका मन है तो ए बी और बी सी भी निकाल सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एडजेसेंट साइड तो संलग्न भुजा हमारा वही कहलाएगा ए कहलाएगा और ए कहलाएगा ठीक है, नहीं तो आप ए बी और बी सी भी निकाल सकते हैं, तो निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तब ध्यान रखिएगा समझिए बाबू, अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा हम लोग का एडी वेक्टर अक्रॉस, क्या बन जाएगा हम लोग का एडी वेक्टर क्रॉस, क्या बन जाएगा हम लोग का सीडी वेक्टर। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देना है हम लोग को, इसको इक्वेशन मान ले रहे हैं वन, अब लिखेंगे नाव, तो हम लोग को निकालना होगा पहले एडी वेक्टर क्रॉस का बन जाएगा सीडी वेक्टर। तो एडी वेक्टर का मान कितना है, तो एडी वेक्टर का जो हम लोग का मान दिया हुआ है वो माइनस जे है, अक्रॉस इसका मान कितना है बाबू, तो इसका मान दिया हुआ है माइनस, कितना दिया हुआ है बाबू, टू आई कैप, कितना कैप, टू आई कैप। तो इसका जब एडी वेक्टर क्रॉस सीडी वेक्टर जब इसको हल किया जाएगा, यहाँ आई जे और के हो जाएगा ना बाबू, इसमें आई का मान नहीं है जीरो, जे का मान माइनस वन है, के इसमें नहीं है जीरो, इसमें आई का मान माइनस टू है, जे नहीं है जीरो, के नहीं है जीरो। ठीक है, अब देखिएगा एडी वेक्टर क्रॉस सीडी वेक्टर, इसको जब लेंगे तो आई को लेंगे, तो आई लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस वन जीरो जीरो जीरो, जे लेंगे तो क्या होगा जीरो जीरो दो जीरो माइनस दो जीरो, अगर मान लेते हैं के कैप लेंगे तो के कैप लेंगे तो क्या होगा यानी जीरो जीरो माइनस टू जीरो माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू और कहेगा जीरो। क्लियर है? अब ए डी वेक्टर क्रॉस का बन जाएगा सी डी वेक्टर, बनेगा ना बाबू, तो कितना होगा माइनस आई कैप ए जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस जे कैप जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, अरे हो जाएगा हम लोग का कितना के कैप या हो जाएगा जीरो माइनस टू। क्लियर है? इसको जब टोटल हल किया जाएगा तो एडी वेक्टर क्रॉस सीडी वेक्टर इक्वल का होगा, डायरेक्ट लिख दे माइनस टू के कैप, माइनस टू के कैप कंफर्म है, माइनस टू के कैप। क्लियर है? माइनस टू के हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एडी वेक्टर क्रॉस सीडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे माइनस टू के कैप, इसका जब निकाला जाएगा तो माइनस टू का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, फोर का रूट टू। ठीक है, फोर का रूट कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए इसको हल किए हैं और फिर उसको हल किए, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, जब फ्रॉम इक्वेशन वन से चलेंगे तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल, एडी वेक्टर क्रॉस सीडी वेक्टर, इसका पूरा वैल्यू टू, इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई, वर्ग इकाई ए स्क्वायर यूनिट। तो इसी तरह से इसको क्या करना है, बनाना है। तो पहले ध्यान रखिएगा, बोला है कि एक हमारे पास आयत है और आयत का जो वर्टिक्स मतलब शीर्ष दिया हुआ है वो इतना दिया है, शीर्ष का स्थिति सदिश मतलब पोजिशन वेक्टर दिया है, तो पोजिशन वेक्टर ऐसे है, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर जो होता है एडजेसेंट साइड होता है मतलब संलग्न भुजा होता है, तो आयत का भी संलग्न भुजा हमारा ए और ए का रहेगा, नहीं तो आप ए और ए निकाल सकते हैं, कोई भी दो निकाल सकते हैं। हम ए डी और का माने ए डी और सी डी को माने संलग्न भुजा, ए डी और सी डी निकाल दिए, दोनों का क्रॉस निकाले, हल के इतना है। इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा, कौन सा हम इसका ऑप्शन दिए थे बाबू, इसका ऑप्शन कौन सा था, हाँ इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर ऑप्शन का होगा सी, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब ध्यान देना है, ठीक है बाबू, अब हम आप लोग को मिस्किलिनियस बताएंगे, एक बार ध्यान देना है आप लोग को कि मिस्किलिनियस का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम टोटल क्वेश्चन नहीं बताएंगे, एक बार ध्यान रखिएगा, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से जो आप लोग का उसमें इम्पोर्टेंट है हम वही क्वेश्चन को सिर्फ बनाएंगे। और एक बात आप लोग को लगता होगा कि हम 14 और कल का 7-8 जो बोले हैं वो क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, हम लास्ट कल तक बता देंगे आप लोग को। ठीक है, कल के कल हम लोग का वेक्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है, तो वहां पर आप लोग का टोटली वो सब बता देंगे। ओके, तो हम आज बताने वाले हैं मिस्किलिनियस,
क्या बताने वाले हैं बाबू? मिस क्लिनियस, मिस मिस क्लिनी नियस एक्सरसाइज 10 अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली, अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली, ठीक है। चलिए तो इसमें जो हम क्वेश्चन बनाएंगे अध्याय 10 पर, वो लास्ट से बनाने चलेंगे, बनाते चलेंगे, कहां से चलेंगे बाबू? लास्ट क्वेश्चन से बताते चलेंगे, ठीक है। और जो मेन मेन होगा हम उसको आप लोगों को बताएंगे, ओके। चलिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं 19 क्वेश्चन से, कहां से बताने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 से। तो 19 क्वेश्चन से बनाने स्टार्ट करेंगे, ऊपर की ओर चलते जाएंगे, ठीक है। तो बोला गया कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है इसका 0, बी दिया हुआ है पाई बाई 4, सी दिया हुआ है पाई बाई 2 और डी दिया हुआ है हम लोग का पाई। क्लियर है? सोल्व एक क्वेश्चन आप लोग बना दिए, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग इसका हिंदी लिख लीजिएगा। बोला गया है कि ए वेक्टर और दो सदिश, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसका हिंदी दो वेक्टर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है जिनके बीच का कोण थीटा है, जिनके बीच का कोण थीटा है, तो मोड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो थीटा इक्वल थीटा बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, सोल्व करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस का है बी वेक्टर, ये दोनों फार्मूला में इस क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि आप लोग पढ़े होंगे मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा, इसमें पढ़ते होंगे और इसमें पढ़े होंगे मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा, आप लोग एन कैप पढ़े होंगे, ए स्केलर है कि इसको ऐसे उतार देंगे मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा, और इसको भी जब उतारेंगे तो मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मोड ए मोड बी कट जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या बन जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा ना बाबू, तो 1 इक्वल क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाई क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, तो 1 इक्वल कितना बन जाएगा हम लोग का? tan थीटा। तो tan में कितना का वैल्यू होता है? 1। तो tan में पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो थीटा इक्वल पाई बाय का बन जाएगा, थीटा इक्वल कितना बन जाएगा हम लोग का? पाई बाय 4। क्लियर है? थीटा इक्वल हम लोग का बन जाएगा पाई बाय 4। क्वेश्चन समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, है ना? देख लिए। तो बोला गया है कि मोड ए, आप लोग क्वेश्चन को बता चुके हैं, दोनों का फार्मूला बैठा दिए हैं, आप दोनों का फार्मूला बैठाने के बाद इसके बीच का एंगल निकाल दिए, ओके। क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 है द वैल्यू ऑफ I dot J cross K
प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज ऑप्शन दिया है जीरो, ऑप्शन बी दिया हुआ है माइनस वन, ऑप्शन सी दिया हुआ है वन और ऑप्शन डी दिया हुआ है थ्री। और इसका मतलब ये हुआ कि इतना का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है कि इतना का मान ज्ञात करें, तो हम सोल्व करें। देखिए बाबू ध्यान दीजिए अच्छा से, इस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के और उसके बाद होता है के डॉट आई क्रॉस जे, इसको सोल्व कर रहे हैं यहां पर। इसके बराबर देखकर जगह नहीं था। अब आप लोग एक डायग्राम बताए होंगे, ऐसा डायग्राम यहां होता हम लोग का के कैप, यहां होता हम लोग का जे कैप और यहाँ होता है हम लोग का आई कैप। ऐसे चलेंगे तब पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिएगा वहां पर ऐसे चलेंगे तब पॉजिटिव। तो देखिए तो हम यहाँ बराबर देकर लिख रहे हैं आई डॉट, ध्यान देना है बाबू जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के हम इसी लाइन में जा रहे हैं, तो जे क्रॉस के लेंगे तो जे क्रॉस के लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का आई, और जिस दिशा में उसी दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर आई डॉट प्लस। अब जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस का है बाबू के, आई क्रॉस के, आई से हम किधर जा रहे हैं के की ओर, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ना। अब बात रहा कि सर आई क्रॉस जे के बाद के नहीं है, टपाना नहीं है, ध्यान रखिएगा लगातार होना चाहिए, टपाना नहीं है। तो आई क्रॉस ऐसे के चलेंगे तो एक जे टप जाएगा, जे बीच में जाएगा, इसका मतलब हमको आई क्रॉस के ऐसे जाना है तो क्या होगा माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे। अब प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस क्या है जे, आई क्रॉस क्या है जे है, तो आई क्रॉस जे होगा तो क्या होगा आई क्रॉस जे बराबर के। चलिए आप लोग जानते हैं कि आई डॉट आई बराबर वन होता है, ये माइनस होगा, जे डॉट जे बराबर वन होता है और के डॉट के बराबर वन होता है, माइनस वन प्लस वन एक कट जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा वन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का आठ एक हो जाएगा। तो अठारह का जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो अठारह का जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा वो कौन होगा बाबू, हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, अठारह का जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके क्लियर है, समझ रहे हैं, देख लीजिए कैसे बनाया जा रहा है। ओके देखिए फिर से आई जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के ऐसे जाएगा तो जे क्रॉस के बराबर क्या बचेगा आई। अच्छा अब देखिए आई क्रॉस के, तो अब बात रहा कि सर आई क्रॉस के जो हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, तो आप ही बताइए बाबू जब ऐसे हम जाएंगे तो जे बीच में आ जा रहा है ना, तो जे बीच में डायरेक्ट के ही आना चाहिए, तो ऐसे नहीं जा पाएंगे हम जाएंगे ऐसे, तो ऐसे जाएंगे तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के बराबर क्या होगा जे, अब उल्टा जा रहा है इसलिए माइनस में ले लिए हैं। अरे वैसे आप लोग जानते हो कि आई डॉट में बराबर का एक होता है, तो आई डॉट आई डॉट आई बराबर वन, जे डॉट जे बराबर वन, के डॉट के बराबर वन, हल किए प्लस माइनस माइनस के वन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 17 का, क्वेश्चन नंबर किसका बात करने जा रहे हैं बाबू 17 क्वेश्चन का। सत्रह क्वेश्चन जो दिया हुआ है भाई वो बोल रहा है बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन देन
देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर इफ ए बराबर पाई बाई फोर, बी बराबर पाई बाई थ्री, सी बराबर पाई बाई टू और डी बराबर टू पाई बाई थ्री। क्लियर है? बोला हुआ है ना बाबू, एकदम क्वेश्चन सिंपल है। भी बोला है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, माना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर टू मतलब दो, दो मात्रक सदिश है। कौन सदिश है? मात्रक। तो मात्रक सदिश है तो आप जानते होंगे कि मात्रक सदिश किसको बोलते हैं, जिसका परिणाम लेने पर उसका मान एक हो जाए। तो ए के भी बारे में बोल दिया और किसके बारे में बोल दिया, बी के बारे में बोल दिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जो है ना हम लोग का कैसा सदिश है बाबू, तो दोनों हम लोग का जो है वो कैसा सदिश है, दोनों हम लोग का मात्रक सदिश है। कौन सदिश है बाबू? मात्रक सदिश। जब दोनों हम लोग का मात्रक सदिश है तो उसका मात्रक तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। और थीटा जो बोला है ना दोनों के बीच का एंगल है, कोण है, थीटा हम लोग को फाइंड करना ही है। और बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए भी है ना वो मात्रक सदिश है। कौन सदिश है? मात्रक सदिश है। तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जा तो ए भी मात्रक सदिश है, बी भी मात्रक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है और थीटा उसके बीच एंगल है, थीटा ही फाइंड करना है और ए भी मात्रक सदिश है। ठीक है, तो चलेंगे ना देखिएगा, तो लिखेंगे मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर इक्वल वन। तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल वन। इसको रूट हटा देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल वन का इसका रूट हट गया। अब ए स्क्वायर आप लोग बताएं कि मोड ए वेक्टर लीजिए तो वो ए के बराबर लिखा जा सकता है, तो इसका मान वन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू वन कॉस थीटा इक्वल का हो जाएगा वन का स्क्वायर। वन इससे वन वो कट जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस टू कॉस थीटा इक्वल जीरो हो जाएगा, तो टू कॉस थीटा इक्वल माइनस वन हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल माइनस वन बाई टू। और ये जो हम लोग का जो दिया हुआ है ना बाबू, एक कॉस में कितना का वैल्यू है, तो कॉस में हम लोग का जो वैल्यू है ना कॉस 120 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 120, कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल 120 डिग्री। जब इसको रेडियन में चेंज करिएगा ना तो पाई बटा 180 गुने 100 कितना आ जाएगा 20, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 36 18 2 पाई बाई का होगा 3। तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का, वो 2 पाई बाई का हो जाएगा 3 होगा। क्या हो जाएगा इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 पाई बाई का बन जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया बाबू, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 17 का 17 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हम लोग का होगा वो डी होगा। कौन होगा बाबू? डी। 17 का जो ऑप्शन हम लोग का है वो डी होगा। आई होप समझ रहे हैं। देखिएगा बोला गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर जो दोनों है ना दोनों कैसा सदिश है, हम लोग का मात्रक सदिश है। कौन सदिश है? दोनों जो हम लोग का दिया हुआ है वो कौन सा सदिश है बाबू? ए मात्रक सदिश है। कौन है? मात्रक सदिश है। ठीक है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तब बोला गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या होगा, मात्रक है तो थीटा का मान क्या होगा, बैठाने जा रहे हैं फॉर्मूला जानिए रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 क्वेश्चन बोला गया है। देखिए इसका 16 क्वेश्चन जो दिया हुआ है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओनली व्हेन ऑप्शन जो दिया हुआ है 0 से 12 और 90 से 5/8 थीटा का वैल्यू है। ऑप्शन जो हम लोग का बी दिया हुआ है, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है 0 से 12 और 5/8 से छोटा। ऑप्शन जो सी दिया हुआ है 0 से 12 और पाई से छोटा। और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है 0 से 12 है बराबर पाई से छोटा है बराबर। ठीक है, आज बोला है यदि थीटा, यदि ए वेक्टर हिंदी लिख लीजिएगा कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिशों हिंदी लिखे हिंदी लिखे यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल 0 क्या होगा। ठीक है, समझिएगा इसको जब सोल्व करेंगे भाई तो देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर ए बी कॉस थीटा इक्वल का होगा 0। अब आप ही बताइएगा, आपको ध्यान देना है अगर ए बी को अगर हम बुलाएंगे तो कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0/AB यानी कोस थीटा इक्वल 0 ऐसे। अब आपको ध्यान देना है बाबू कि कोस का मान हम लोग कितना बैठाएंगे तो उसका वैल्यू 0 से 12 या बराबर होगा, 0 से 12 और बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एंगल जो होता है 0 to 180 होता है, 0 to 180 तो 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree 120 degree 135 degree 150 degree उसके बाद 180 degree कोई भी एंगल इसी में जाता है। चलिए अगर 0 मानते हैं, सपोज है कि अगर कॉस का मान 0 बैठाते हैं तो इसका मान 1 आएगा, 1 आएगा। कॉस का मान अगर 45 बैठाते हैं, 30 बैठाते हैं तो 30 का कॉस 30 का वैल्यू 3/2 होगा, रूट 3/2 होगा। अगर मान लेते हैं 45 का वैल्यू बैठाते हैं तो 1/√2 होगा। अगर मान लेते हैं 60 का वैल्यू बैठाते हैं तो 60 का वैल्यू बैठाने के बाद हम लोग का कितना आएगा 1/2 होगा। 90 का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। थोड़ा गौर करिएगा, 120 का मान बैठाएंगे तो -1/2 होगा। 135 का मान आप लोग निकालने जानते होंगे, इधर का, इधर का जो भी वैल्यू लिखिएगा वो माइनस में आएगा। अगर मान लेते कोस 120 कोस 35 का तो 90 + 45 हो जाएगा यानी -1/√2 हो जाएगा। 90 + 60 हो जाएगा, 60 का साइन 3/2 हो जाएगा। अन सबको ऐसा तो माइनस में आएगा तो यहाँ हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमको ये ध्यान देना है बाबू कि कभी भी वैल्यू लेंगे तो हम क्या करेंगे 120 तक 120 से उधर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, 120 से उधर जाएंगे तो हमारा मान माइनस में आ जा रहा है ना। इसका मतलब है कि 0 से कहाँ तक जाएंगे 90 तक। 0 से 90 तक जो मान बैठा है, अब क्लियर समझिएगा, 0 से 90 तक मान बैठा है तो आप क्या देख रहे हैं कि cos 0 का मान बैठा है तो 1 आया है, cos 30 का मान बैठा है, cos 30 का मान बैठा है तो √3/2 आया है। तो √3/2 का मतलब 1.732 भागा देंगे इसका कितना हो जाएगा 0.8 लगभग हो जाएगा। इसका जब भागा देंगे तो कुछ और होगा, इसका 0.5 आएगा, इसका कुछ और, इसका हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो होगा ना 0 से बड़ा होगा बराबर होगा और 90 से छोटा है बराबर होगा, तब इसका वैल्यू जो होगा कॉस थीटा का वैल्यू बैठाएंगे तो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो 0 कब आएगा जब 90 बैठाएंगे तब, अब बाकी जो वैल्यू है 0 से बड़ा ही है ना, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन करेगा सेटिस्फाई, ऑप्शन बी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी हम लोग का जो होगा इसके लिए क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल तक हम लोग का वेक्टर रहेगा,
जो जो मेन क्वेश्चन रहेगा हम वही आप लोग क्वेश्चन को बताएंगे मिसकेलिनियस में, और जो तीन क्वेश्चन हम बताएंगे या तो आज उसको पेज पर बनाकर दे देंगे नहीं तो कल पेज पर बनाकर दे देंगे, ठीक है। जो तीन क्वेश्चन है जो आप लोग को छोड़े हैं, और एक्सरसाइज 10.3 का जो 14 क्वेश्चन है, अब 10.4 का जो 7-8 छोड़े होंगे उस क्वेश्चन को आप लोग को पेज पर बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ओके, क्लियर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कल आप लोग अब वेक्टर को एंड कर देंगे, तब नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे 11th चैप्टर को हम क्या करेंगे पढ़ाएंगे, और ऑब्जेक्टिव आप लोग का साथ साथ रहेगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।